टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम मिरर्स को स्टडी करेंगे। मिरर्स दो टाइप के स्टडी करवाए जाएंगे, एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का लेक्चर जो है वो नेक्स्ट टाइम है, एक स्फेरिकल मिरर्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। दो किस्म के स्फेरिकल मिरर्स हैं, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। शेप याद कर लो, ये आपका कनकेव सरफेस है और ये आपका कन्वेक्स सरफेस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब रेज आती हैं कनकेव में मिलती हैं तो रेज एक्चुअल में मिलती हैं, मतलब ये कन्वर्जिंग इन नेचर है। नाम रखा हुआ है कनकेव और काम करता है कन्वर्ज, उल्टा लेंस से उल्टा काम है। यहाँ देखो रेज आई और डाइवर्ज हो गई, तो नाम क्या है कन्वेक्स लेकिन काम क्या है डाइवर्ज, जबकि लेंस में उल्टा है। लेंस में कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, मिरर में कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो ये पहचान हो गई इसमें, तो ये आपका कनकेव मिरर है कन्वर्जिंग है और ये आपका कन्वेक्स मिरर है जो कि डाइवर्जिंग है। फोकस, जहाँ पे रेज पैरेलल आई और यहाँ पे मिलती हैं इसे क्या बोलते हैं फोकस। इसकी रेज जो है वो राइट जा रही थी, हम सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करते हैं, पोल से ये लेफ्ट की तरफ है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू आपकी जो कनकेव की है वो क्या होगी नेगेटिव। तो कनकेव की फोकल लेंथ इज नेगेटिव। उसी तरीके से यहाँ पे देखें रेज आ रही हैं डाइवर्ज हो रही हैं और कहाँ पर मिल रही हैं वर्चुअली फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ कहाँ पर है राइट पर, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। लेंस वाला सेम रूल है, कन्वेक्स की लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है मिरर की भी पॉजिटिव है, कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव है लेंस की भी और मिरर की दोनों की नेगेटिव है। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, फोकल लेंथ कन्वेक्स की मिरर की और लेंस की दोनों की पॉजिटिव है, कनकेव लेंस की कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव है। लेकिन बिहेवियर उल्टा है, कनकेव का बिहेवियर कन्वर्जिंग है और कन्वेक्स का बिहेवियर डाइवर्जिंग है। रूल क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। इस मिरर के अंदर फोकल लेंथ एंड रेडियस के बीच में रिलेशन है, लेंस में ऐसा नहीं था। लेंस में फोकल लेंथ और रेडियस और कर्वेचर का रिलेशन था और उसको लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते थे। इसके अंदर लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं चलता, इसमें रूल ये चलता है कि अगर आपके पास ये कनकेव मिरर है, रेज आई या रे आई, ये रे बहुत नज़दीक है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये अजम्पशन है, ये रे बहुत दूर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो ये रे आई और ये यहाँ से टकरा के फोकस में से पास हो रही है क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है, और अगर रे इन्फिनिटी से आ रही है तो कहाँ से पास करेंगे फोकस में से। और अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, आपका जो नॉर्मल है वो हमेशा कहाँ से पास करता है सेंटर से, तो नॉर्मल सेंटर से पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली सेम है, आई इज इक्वल टू आर। अगर ये आई है तो ये भी ऑल्टरनेट से आई है, अगर आप ध्यान से देखें आई आर के इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल है, भाई आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया ना, तो ये और ये साइड इक्वल है। और क्योंकि ये रे इसके बहुत नज़दीक है तो बी पॉइंट पी के बहुत नज़दीक होता है, तो आप बी बी एफ और एफ पी की लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल कर सकते हो या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर सकते हो, एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा, अंदाजे से इक्वल होती है। अब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है। तो मिरर का रूल है जो फोकल लेंथ होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पे होती है, तो जो एफ है वो इन दोनों के सेंटर पे है। तो अगर ये डिस्टेंस आर है ये डिस्टेंस एफ है तो एफ की वैल्यू क्या है आर बाय टू। ये प्रूफ तो नहीं आएगा पर ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला लेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं लगाना, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप कहेंगे लेंस में नहीं लगेगा, लेंस में ये सिर्फ मिरर में ही लगेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो मिरर में एफ इजिकल टू आर बाई टू, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स की भी सेम स्टोरी है, रे आई डाइवर्ज हो गई, नॉर्मल फोकल लेंथ से पास हो गई, नॉर्मल सेंटर से पास हो गया, आई आर के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट से आर है, कॉरस्पॉन्डिंग से आई है, क्योंकि आई आर के इक्वल है तो ये लेंथ इसके इक्वल है, पर ये लेंथ अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल है तो ये लेंथ इसके इक्वल है, फिर से एक बार फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पे। तो चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है एफ तो आर बाई टू के इक्वल ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रिजल्ट याद रखना। नेक्स्ट,